देश में कोरोना केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर चौथी लहर की आशंका बनी हुई है। कल के मुकाबले आज देश में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के नए मामलों में 33.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,822 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना वायरस से 15 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,32,45,517 हो गई है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,792 हो गई है। बता दें कि कल यानी 14 जून को 6,594 से ज्यादा मामले सामने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 53,637 है। पिछले 24 घंटे में 5,718 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही इस वायरस से ठीक होने वालों का आंकड़ा 4,26,67,088 पर पहुंच गया है। इस समय सक्रिय मामले 0.12% हैं, जबकि रिकवरी दर वर्तमान में 98.66% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195,05,00,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोविड केसों के साथ साथ संक्रमण दर भी बढ़ रही है और 6.50 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,118 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले 82% ज्यादा था। इस दौरान कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां मंगलवार रात 1,724 कोविड मरीज मिले। पूरे महाराष्ट्र से सामने आ रहे कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र से पिछले 24 घंटे में 2,956 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 18,267 है। राज्य में ओमिक्रॉन का BA.5 सब वेरिएंट चिंता की वजह बना हुआ है। ठाणे में 2 मरीजों में ये वेरिएंट मिला है। दोनों ने कोविड का टीका भी लगाया हुआ था, बावजूद इसके वो संक्रमित हो गए। इस वक्त कोविड की पिछली लहरों की तरह दिल्ली और मुंबई की स्थिति एक बार फिर से खराब हो रही है।